हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज 18 तारीख है, ठीक है। मैंने ये जो 4 से 5 स्ट्रेटेजी बनाई थी 24th एक्सपायरी के लिए, उसमें मैंने काफ़ी स्ट्रेटेजीज प्रॉफिट बुक करके निकल गया हूँ। ओके, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को इंटीमेट भी किया था कि मार्केट में थोड़ा सा ऐसा डाउनफॉल दिख रहा था मुझे ड्यू टू फेड मीटिंग एंड ऑल, एंड वो अल्टीमेटली वो वैसे ही रिएक्ट किया और मैंने 3 से 4 दिन पहले ही मैं सारे प्रॉफिट बुक करके निकल गया, जिसमें मुझे डिसेंट प्रॉफिट हुआ। ज़्यादा अमाउंट, मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई था, पर उसमें मुझे डिसेंट प्रॉफिट हुआ। मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि जब मार्केट रिएक्ट वैसे करता है तो आपको भी उसी तरह से ट्रेड करना पड़ता है। आपको उसमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैं सामने वाले यूज़र को फ़ायदा हो, और इम्प्लीमेंट वो जब करते हैं तो 2 पैसा भी बने और उनका जो रिस्क लेवल है वो भी कम रहे, ठीक है। तो जो लास्ट मंथ की जो स्ट्रेटजीज थी, TCS में मैंने प्रॉफिट बुक किया, SBI की स्ट्रेटजी में मैंने प्रॉफिट बुक किया, ITC के प्रॉफिट में मैंने स्ट्रेटजी बुक किया, और काफ़ी ऐसे स्ट्रेटजीज थे जो मैं इम्प्लीमेंट करने वाला था पर मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मेरे फ़िलहाल के लिए मेरे जो 3 स्ट्रेटजी थी और 1-2 स्ट्रेटजी मैंने जो शॉर्ट टर्म के लिए किया था ये महीने में, तो वो सारे के सारे मैंने प्रॉफिट्स बुक करके निकल गया। और मैं काफ़ी लोग को पहले भी इंटीमेट किया था 3 से 4 दिन पहले कि मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि FII का फ्लो जो आउटफ्लो हो रहा था, तभी मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि ये फेड की मीटिंग से अल्टीमेटली इंडियन मार्केट पे भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो लोग ने इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली वो लोग अभी नेक्स्ट ईयर से बढ़ाने चालू कर देंगे, तो अल्टीमेटली वो प्रेशर ग्लोबल मार्केट में अभी भी आ रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो 400 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा हुआ है, ठीक है। तो गाइज, मैंने ये जो स्ट्रेटजी बनाई है ये जुलाई मंथ की स्ट्रेटजी है, जिसमें रिलायंस में मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, क्योंकि रिलायंस मुझे ऐसा लगता है जो रैली दिया है, ओके, तो वो करीबन 2000 के लेवल से 2200 के लेवल तक आने के लिए उसको करीबन 1 से 1.5 महीना लगा, ओके। तो वो जो फास्ट मूवमेंट उसमें आया करीबन 10% का, ये बनाने का कारण ये है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिलायंस की जो लेवल है वो 2550 के ऊपर नहीं जाए और उसके अंदर ही घूमते रहे, 2100 से लेके 2550 का। ये स्ट्रेटेजी में मैंने इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें मैंने कॉल भी बनाई है और पुट भी बनाई है। इसमें आप थोड़ा सा देखिए मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। तो ये पहला स्ट्रेटेजी अपन देखते हैं गाइस, क्या हो रहा है इसमें। रिलायंस में 2200 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है एक लॉट, जो कि मैं 2 लॉट मैं मार्केट देख के रिएक्ट करूँगा और उस हिसाब से मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैंने 2200 का कॉल ऑप्शन एक लॉट लिया है, और मैंने 2400 के 2 शॉट किए हैं, 2600 का मैंने बाई किया। इसको अल्टीमेटली मैं मार्केट देख के ही इसको बढ़ाऊंगा, उसके अगर मुझे लगता है कि रिलायंस में मूवमेंट दिख रहा है या जैसा भी है उस हिसाब से ही मैं बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है गाइस। तो ये मैंने ये जो स्ट्रेटजी बनाई है इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं, इसमें क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं। अभी जो स्पॉट प्राइस है वो करीबन 2224 का चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, जब आप नीचे आते हैं आपकी मैक्सिमम लॉस इसमें कितनी दिखा रही है, 10,000 रुपये के करीबन, ठीक है। और जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वो आपका रेंज धीरे 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 बड़ा होगा जैसे जैसे रिलायंस रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रिलायंस का इंट्रेंसिक वैल्यू क्या चेंज हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये मैंने 2240 से के बीच में से लेके मैंने 2550 का डिफरेंस रखा है, तो करीबन 12% होता है, ओके। और ये रेंज जो है ये धीरे 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 बढ़ेगी, ओके, रिलायंस के हिसाब से। अभी ये 10,000 दिखा रहा है गाइस, ठीक है। तो इसका एस्टिमेटेड मार्जिन देखिए सिर्फ 40,000 रुपये लग रहा है, ओके, और आपको रेंज भी काफ़ी बड़ा मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा कि आपकी रिस्क लेवल जो है एक लिमिटेड भी रहे और वो रेंज के अंदर रहे तो आपको पैसा बने। तो मैंने ये रेंज को थोड़ा सा 150 पॉइंट नीचे किया है, 2100 का पॉइंट। तो ये आप ये समझ जाइए कि मैंने पहले तो कॉल ऑप्शन पहले
एक बाई किया है, 2400 के मैंने दो शॉर्ट किए हैं और 2600 का मैंने बाई किया है, ठीक है, ये जुलाई मंथ का। ओके, तो आप इसको मैं प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। इसके आप बैक में जाइए, आप यहाँ पे देखिए मैंने पुट स्ट्रेटजी बनाई है। ओके, तो मैंने 2100 का पुट एक मैंने बाई किया है, 2200 का पुट मैंने एट द मनी का मैंने दो शॉर्ट किए हैं, और 2300 का मैंने जो पुट है, ठीक है, वो इन द मनी का मैंने बाई किया है। ओके, तो उस हिसाब से मैं मूवमेंट देख के काम करता हूँ। और इसमें देखिए गाइस, अगर जब आप ये ओपन करते हैं, इसमें मैक्सिमम लॉस आपको 4000 रुपये का दिखा रहा है। ओके, और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, ये करीबन 20000 के करीब दिखा रहा है। तो इसमें आप ब्रेक इवन देखिए, 2120 से लेके 2280 का डिफरेंस है। तो अगर ये गलती से 2250 के बीच में बंद हो जाता है तो उसमें तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा और उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। अगर 2250 और 2280 के इधर बना बंद हुआ तो डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, अगर ऊपर चला गया तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर वो 2400 के करीब चला गया रिलायंस, तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे सिर्फ आपका मैक्सिमम लॉस 4000 का है, तो आप वहाँ पे अगर सपोज़ आपको 20000-25000 बन जाता है तो आप उसको माइनस करिए इसके साथ, तो 20000-22000 रुपये आपको बन सकता है, ठीक है। इसमें रेंज भी अच्छा है। मैंने ये स्ट्रेटजी बनाने का कारण ये है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस में मूवमेंट फ़िलहाल दिख रहा है, और 2100 और 2500 के अंदर ये मैं ना वो जुलाई तक बंद हो सकता है। ऐसा नहीं हो कि मगर मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, और अगर मार्केट गिर रहा है तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव भी दे सकता है गाइस। तो उसमें आपका स्टॉप लॉस आपके ऊपर है कि आपको स्टॉप लॉस किस तरह से मेंटेन करके काम करना है, ठीक है। इसमें लिमिटेड रिस्क है, पर कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मार्जिन दोनों इसके लिए आपको 80000 रुपये लगेगा, ओके, इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, तो अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो अभी मैंने आज जो इम्प्लीमेंट किया वो 900 रुपये के लॉस में हो, ठीक है। एक में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है, जब आप बाय करते हो तो माइनर बायर सेलर ऊपर जाता है, जब आप बाय करते हो तो आपको सेल भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो जब आप सेल करते हैं तो उसमें आपको डिफरेंस आता है, तो वो आप देख समझ के करना। दूसरी चीज़ गाइस, ये जो स्ट्रेटजीज़ मैं बनाता हूँ ना, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, और जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर उसको अगर प्रोटेक्ट करके पता रहता है तभी आप ये ट्रेड करिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले जाके मेरे वीडियोस गो थ्रू करिए, मैं बिगिनर्स का वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि ये किस तरह से ऑप्शंस वर्क करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस को पहले आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आप रिएक्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर लगता है इसमें कुछ नया या अगर कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और कुछ आपको लगता है कि कुछ वीडियो में अगर कुछ और चेंजेस चाहिए, या कुछ अलग स्ट्रेटजीज आपको लगता है कि कौन से लेवल पे मैं आर्बिट्रेज करूँ या इम्प्लीमेंट करूँ, वो आप प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच गाइस।